स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ अभी सोनप्रयाग, यहाँ से कल मैं निकलूँगा केदारनाथ के लिए। प्लान केदारनाथ का अचानक बन गया था, एक्चुअली मुझे जाना था चोपटा, और चोपटा के लिए कुछ व्हीकल मिला नहीं, फिर दोपहर में सोनप्रयाग आ गया। दोपहर में क्या मतलब, दोपहर में निकला था, करीब 4:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और अभी रजिस्ट्रेशन मैंने करा लिया था, वेरिफिकेशन भी हो गया, और कल सुबह 4 बजे से यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 4 बजे यात्रा बंद हो जाती है शाम को। तो अब कल का टाइम है मेरे पास, आज मैं यहीं पर रुक गया हूँ। इस समय मैं हूँ पार्किंग एरिया में। तो फ्रेंड्स, ये था वेरिफिकेशन काउंटर जहाँ से मैंने वेरिफिकेशन कराया था। आप यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको यहीं पर आके जो है अपना पहले वेरिफिकेशन कराना होता है, उसके बाद ही आपकी यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको यात्रा जो है वो सुबह 4 बजे स्टार्ट होगी, तो लोग भीड़ यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। और ये कुछ ऐसा मार्केट का नज़ारा है यहाँ पे, यहाँ पे काफ़ी सारे होटल हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं चारों तरफ ही होटल होटल हैं यहाँ पे। सामने सोनप्रयाग का पार्किंग है जहाँ पे अपनी पार्क गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और जस्ट उसके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन काउंटर है, और उसी के साथ में ये सारे होटल बने हुए एक लाइन पे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं गौरीकुंड पहुँच चुका हूँ जहाँ पे टैक्सी ड्रॉप करती है, इससे आगे गाड़ी नहीं जाती है। तो ये कुछ ऐसा है यहाँ पे, यहाँ से हमें आगे जाना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भीमबली करके एक जगह है, और यहाँ से पहाड़ भी दिखने स्टार्ट हो चुके हैं, और रोशनी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो बिल्कुल चमक भी रहे हैं पहाड़ बर्फ़ वाले। नीचे बहुत गहरी खाई है, और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से। इस पुलिया को पार करते हुए हम जाएंगे उधर, और फिर आगे आगे आपको लाइटें वगैरह दिख रही होंगी, अभी भी लाइटें जल रही है। तो इस तरीके से वहाँ पर पहुँचेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया है। चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं फिर। अभी हाँ फ्रेंड्स, अभी मैंने माइक लगा लिया है, क्योंकि यहाँ पे पानी का शोर इतना ज़्यादा है ना, मुझे समझ नहीं आता कि पता नहीं आवाज़ आएगी या नहीं आएगी बिना माइक के। तो अभी मैंने माइक लगा लिया है, और आप देख पा रहे हैं ऊपर पहाड़ है, ऊपर तेज़ धूप निकली हुई है, लेकिन इस समय जहाँ पर हम लोग हैं इस पुल पर बहुत ठंड हो रखी है। यहाँ पर इस पहाड़ पर भी धूप है, लेकिन जहाँ अभी हम समय चढ़ना है ऊपर, वहाँ बिल्कुल छाँव है, और ठंड इस समय बहुत ज़्यादा है। पानी का आप बहाव देख सकते हैं कितना तेज़ है। तो यहाँ पे कुछ लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। इस समय 8:54 हो चुके हैं, लगभग 9 बज गए हैं, और 4 बजे मैंने चढ़ाई स्टार्ट करी थी गौरीकुंड से, 4:15 बजे, और हाँ मुश्किल से अभी मैं 6 किलोमीटर ही आया हूँ, करीब अभी 8 से 9 किलोमीटर और ऊपर चलना है। चलिए फ्रेंड, अभी आगे चलते हैं। बोल दो यार,
जहाँ से अभी हम लोग उस ब्रिज से आए हैं ना, ये नया बना है। पुराना रास्ता वो सामने से था जो बाढ़ में बह गया था, तो ये नया रास्ता बनाया है और ये बहुत खड़ी चढ़ाई है जो नया वाला रास्ता है, ये देख सकते हैं आप। और वो रास्ता इतना हार्ड नहीं था, क्योंकि जैसे हम उस रास्ते से अभी चलते हुए आ रहे हैं गौरीकुंड से, उसकी हाइट या उसका जो चढ़ाव है वो उसी हिसाब से ही था। लेकिन ये जो नया रास्ता बनाया है इसका हाइट बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पे एक मैंने तीसरा ब्रेक लिया है, दो ब्रेक पहले लिया था वहाँ पे तो सूट कर नहीं पाया कुछ, तो अभी कुछ ऐसा है यहाँ पे चाय की एक छोटी सी दुकान। तो फ्रेंड्स अभी कुछ ऐसा है, ये एक रास्ता बना हुआ है जो आगे जाता है और करीब इसमें 7 टर्न है और लंबा रास्ता है। एक ये शॉर्टकट रास्ता है जो सीधा ऊपर जाके मिलता है, तो ट्राई करते इसी रास्ते से जाने का। क्योंकि चढ़ाई तो वो भी है और ये भी है, बट इसमें क्या है थोड़ा सा पत्थरों का ध्यान रखना पड़ रहा है और मेहनत उतनी लग रही है जितनी वहाँ लगेगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलता हूँ ऊपर जब मैं पहुँच जाऊँगा। फ्रेंड्स अभी यहाँ से रह गया केदारनाथ 6 किलोमीटर, पता नहीं कौन सी जगह है, थोड़े टाइम बाद बेस कैंप आने वाला है और हालत देख रहे हो बहुत ख़राब हो रखी है, बहुत खड़ी चढ़ाई है। सामने आपको थोड़ा सा व्यू दिख रहा होगा पहाड़ों का, थोड़े टाइम में बेस कैंप आ जाएगा, फिर वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर। अभी वैसे एक चाय की दुकान ढूंढ रहे हैं, चाय पीनी है अभी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे आगे, बाय बाय, जब तक के लिए बाय बाय, आगे मिलता हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स अभी हम ऐसी जगह पे पहुँचे हैं कि पहली बार हमें ये जो है ढलान मिल रही है इस पूरे ट्रैक में। शायद ये बेस कैंप पहुँचने वाले हैं, जो सामने दिख रहा है शायद वही बेस कैंप है। और सामने पहाड़ देखो फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है इधर से, और समझो बहुत बढ़िया दिन आए हो आप, कुछ ऐसा है यहाँ से। तो करीब करीब ये 1/2 किलोमीटर तो होगा ढलान, वरना तो इतनी ख़तरनाक चढ़ाई है कि पैरों की हालत ख़राब हो रखी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। और सामने बेस कैंप है और उसके पीछे पहाड़ है, अभी मंदिर दिखा नहीं है, पीछे थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था तो 6 किलोमीटर दिखा रहा था बोर्ड पे केदारनाथ, अभी करीब 1-1.5 किलोमीटर तो आ ही गया हूँ, तो होगा करीब 4.5-5 किलोमीटर तो अभी है आगे, लेकिन बहुत मुश्किल है केदारनाथ आना, और उससे भी ज़्यादा ये खच्चर वालों ने परेशान किया हुआ है, बार बार पीछे से आ जाते हैं और 2-3 बार तो मैं मतलब इनसे टकराते बचाऊँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं बेस कैंप के पास हूँ और यहाँ पे इतना अच्छा नज़ारा था, मैंने सोचा एक बार इसका भी आपको दिखा दूँ। ये कैंप है और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, सामने एक झरना भी है और कुछ ऐसा रास्ता। तो फ्रेंड्स फाइनली हम केदारनाथ के द्वार पे पहुँच चुके हैं, ये है सामने द्वार और कुछ ऐसा है यहाँ पे। पे ना 2 दिन से बर्फबारी हो रही थी, मतलब स्नो गिर रही थी, तो ये उसकी वजह से ही सारा का सारा जो स्नो पिघला है ना, ये वही पानी है। और सामने कुछ बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह दिख रहा है, बस फाइनली हमें वहीं पे पहुंचना है, वहीं पे रूम वगैरह देखूंगा क्या है कैसा है। और इस समय टाइम हो चुका है करीब 3:47, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे आने के लिए क्योंकि मेरी स्पीड बहुत स्लो थी ट्रैक करने की। फ्रेंड्स अभी मैं गेट से एंटर कर चुका हूँ
जो एक वहाँ पे एक गेट बना हुआ था, और गेट से एंटर करने के बाद जब आप गेट की तरफ देखते हो थोड़ा आगे आने का तो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। मैंने सोचा आपको दिखा दूँ क्योंकि थोड़ी देर में इधर अंधेरा हो जाएगा। पहाड़ों पे तो अभी धूप है लेकिन इस साइड में ना थोड़ा शाम सा होने चला है, तो कुछ ही टाइम में यहाँ पे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा उससे पहले आपको ये नज़ारे दिखा दूँ। और ये बगल में हेलीपैड है, अभी हम लोग फाइनली केदारनाथ पहुंच चुके हैं। सामने है केदारनाथ बाबा का मंदिर। फ्रेंड्स कल रात को मैंने वीडियो क्लोज नहीं किया था और अभी सुबह गोप्रो भी बंद पड़ गया है तो अभी अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसा है फ्रेंड्स, ये टेंट लिया था मैंने कल और ये रास्ता है और आगे जाके मंदिर है, उसके बीच में ये टेंट था जो कल मैंने लिया रात में। तो फ्रेंड्स अभी नीचे जाने का टाइम हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस समय मैं गौरीकुंड से नीचे उतर चुका हूँ और अभी थोड़ा सा आगे जाना है जहाँ से मुझे शेयर कैब मिलेगी, उसके बाद मैं उसको लेके पहुँचूँगा सोनप्रयाग, देन फिर ऋषिकेश, फिर दिल्ली। तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे ऊपर से नीचे आने में। फ़िलहाल कुछ ऐसा है यहाँ पे, सोन गौरीकुंड पीछे रह गया और अभी हम जा रहे हैं जहाँ से टैक्सी मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग पे, किसी नए डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय।